अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है आज स्पेसिफिक चीज़ को सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे टॉप साइड पे लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि स्टेट टाइप की पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पे देखें लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर साइन इन, तो इसको आप स्किप कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पॉलिसी होल्डर साइन इन साइन अप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। फॉर पाकिस्तान रीजन प्लीज इनपुट CNIC विद डैशेस। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपना NIC एंट्री करेंगे यहाँ पे और आपको विद डैशेस जो है यूज़ करना है। ओके, डैश लगाना है NIC के बीच में। इसके अलावा फॉर गल्फ रीजन प्लीज इनपुट योर ID विदाउट डैशेस। और अगर आप किसी गल्फ कंट्री में हैं, यानी आउट ऑफ दुबई है या सऊदी वगैरह में, तो आप जो है अपना जो भी ID कार्ड वगैरह इंटर करेंगे वो विदाउट डैशेस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो है वो है ईमेल एड्रेस विल बी यूज एज यूज़र ID। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसे यूज़ किया जाएगा यूज़र ID के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ सिलेक्ट लोकेशन, तो चूंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद CNIC, ओके, और ईमेल एड्रेस, उसके बाद इंटर कैप्चा कोड 24452 एंड सबमिट। ये सबमिट हो जाएगा, जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस पर कुछ अपनी पॉलिसी की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लेटेस्ट पॉलिसी नंबर। आपका जो भी पॉलिसी नंबर है आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। आप जैसे मेरा जो है 1010705184A6। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है सर्विंग जोन ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी। आपकी पॉलिसी किस जोन से बनी हुई है उस जोन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप कराची साउथ जोन है, मेरी जो पॉलिसी है वो कराची वेस्टर्न जोन से है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे तमाम जोन यहाँ पे शो होंगे, जो भी आपका जोन है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कराची वेस्टर्न जोन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ कमिट्समेंट, तो जब आप पॉलिसी की डिटेल डालेंगे तो आपके पास जो है अपना NIC होना चाहिए और पॉलिसी की फाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो खास तौर पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये तमाम आपको चीज़ें जो है मिलेंगी। तो डेट ऑफ कमिट्समेंट जो है ये आपको भी फाइल से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जो है मंथ नवम्बर है और डेट जो है 24 है। एयर 2017 है। ओके, पॉलिसी होल्डर नेम जो भी है सैयद अयास रजा। डेट ऑफ बर्थ 2017। और यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस वही डालना है आपको जो आपके फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी डिटेल पूरी वेरीफाई होगी। उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और जो है पासवर्ड जो है वो मिलेगा। अब जो है आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना है।
फोन नंबर वही होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके और लास्ट जो है वो आपके, अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई पॉलिसी करवाई हुई है तो उस पॉलिसी जो भी नंबर ऑफ पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब मैंने तो कोई भी नहीं करवाई तो मैंने 0 ही लिखा हुआ है, सबमिट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सबमिट होने में। ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सर्विस। तो आप ऑनलाइन सर्विस के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप इसमें ये होगा कि ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, आपके फाइल को वेरीफाई करेंगे जोन से, और वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल के ज़रिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। मे बी 1 हफ्ते बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है एक रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो पॉलिसी होगी उसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पॉलिसी चेक करने के लिए सिंपल मैंने आप ये आपको बताया है कि ये आपको सिंपल जो है स्टेट लाइफ की वेबसाइट पे आना है, और जो भी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी और यूज़र और वो आएगा तो आपको पॉलिसी होल्डर सर्विस पे जाना है। और यहाँ पे देखें ऑप्शन है पॉलिसी होल्डर साइन इन, तो यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन चूज करनी है। यूज़र आईडी आपको मिला हुआ होगा जब, तो आप इंटर करके अपना पूरा पॉलिसी स्टेटस देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास मेरी जो ऑनलाइन सर्विस है ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मुझे जब यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग अभी जिस तरीके से मैंने बताया बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपनी पूरी डिटेल जो है एंटर कर दीजिए इस वेबसाइट पर जाके, ताकि 1 हफ्ते के बाद आपके पास भी ईमेल आईडी, आपके पास भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है रिसीव हो जाए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।